संसद में चल रहे मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है, जिससे चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने मध्यम वर्गीय परिवार की पीछे से पीठ में और सामने से छाती पर छुरा भोंकने का काम किया है। साथ ही ये भी कहा कि आज पूरे देश में डर का माहौल है। वहीं 21वीं सदी में देश में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है और चक्रव्यूह में जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही आज किसानों के साथ, माता बहनों के साथ हो रहा है। आज भी चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी शामिल है। वहीं राहुल ने और भी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। संसद के जारी मानसून सत्र में ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर का मुद्दा भी छाया रहा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इसे आम आदमी पार्टी की लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों से छात्र दिल्ली में आईएएस बनने आए थे, लेकिन आप सरकार की आपराधिक लापरवाही के चलते 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी हादसे पर आप सरकार को घेरा और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आज LG विनय सक्सेना ने भी हादसे वाली जगह पहुंचकर मौके का मुआयना किया। वहीं दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के LG के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और MCD कमिश्नर हटाने की मांग की। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का भी आज से आगाज हो गया है, जहां सत्र शुरू होते ही विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी नेता वेल में पोस्टर लगाकर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। बता दें, योगी सरकार 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस सत्र के दौरान दर्जन भर से ज्यादा अध्यादेश पारित करा सकती है सरकार। वहीं विपक्ष सूखा, बाढ़, बिजली कटौती और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़ी हर समस्या का हल निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। माधव प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और BSP प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बहादुर कांग्रेस का मोहरा है और नेता प्रतिपक्ष चुनते ही उसकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चाचा शिवपाल ने बड़े बड़े सपने संजोए थे, लेकिन सपा बहादुर ने वो सब तोड़ दिए। वहीं BSP प्रमुख मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि सपा में PDA के लिए कोई जगह नहीं, सब सावधान रहे। देश भर में